Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadres and students, assalamu alaikum. ये sixth video है और आखिरी video है biodiversity in Pakistan, Pakistan के हयातियाती तनाव का. There are certain challenges which Pakistan is facing. Challenges का मतलब है मसाइल. कुछ पाकिस्तान के मसाइल हैं, कुछ मसाइल हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है. These are इनमें political instability है, सियासी instability. यानी उनमें stable नहीं है. Lack of technical and institutional capacity. हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई तकनीकी या इदारा जाती कैपेसिटी नहीं है, जगह नहीं है. Lack of financial resource. हमारे पास पैसों की कमी है, पैसों की कोई जराय नहीं है. Lack of awareness. हमारे पास इलम नहीं है. Insufficient access to local knowledge. जो local knowledge है उसके तक पहुंचने के लिए हमारे पास जराय नहीं है. Legal impediments. हमारे पास कानूनी जो impediments हैं, रुकावटें हैं, वो बहुत ज्यादा है. Limited public and stakeholder participation. बहुत कम ही अवानी और stakeholder means कारोबारी सतह पे इनमें participation बहुत कम हो रही है. Lack of mainstreaming of diversity with other sectors. इसके अलावा जो biodiversity है, यानी हयातियाती निज़ाम को बरकरार रखना या हयातियाती निज़ाम का ख्याल रखना जो है, वो मेन स्ट्रीमिंग के जो दूसरे सेक्टर हैं, दूसरे यानी तालीम हो गई, इकोनॉमी हो गई या मुख्तलिफ और सेक्टर्स हैं, उनकी तरह ये जो मेन स्ट्रीमिंग है, जो अहम चीज़ें हैं, उसकी तरह इसको अहमियत नहीं दी जाती. लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज. हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी की और कोई महारत की एक्सपर्टीज, महारत की कोई ट्रांसफर नहीं है, हमें कोई वो मुहैया नहीं करते. इनएडिक्वेट एंगेजमेंट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी. इसके अलावा इनएडिक्वेट, बहुत ही कम नामुनासिब एंगेजमेंट साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, साइंसी लोग, वो हमारे पास बहुत ही कम मसरूफ हैं. इसमें पावर्टी, गुर्बत है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी है, क्लाइमेट चेंज, आबोहवा की तब्दीली है, एंड नेचुरल डिजास्टर्स और कुदरती आफात हैं. इट इज हाई टाइम, ये एक अहम वक्त है, दैट वी एक्ट नाउ, अदरवाइज द बायोडाइवर्सिटी विल वैनिश. ये अहम वक्त है कि हम कोई अमली काम करें, वरना ये जो बायोडाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ हयात है हमारे पास, हयातियाती निज़ाम है, ये खत्म हो जाएगा, वैनिश खत्म हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट जनरेशन वुड सी ओनली पिक्चर्स. और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो सिर्फ तस्वीर देखेंगी, मूवीज, फिल्में देखेंगी इन जानवरों और इन पौधों के बारे में. एंड स्टफ टॉयज और खुश्क, स्टफ मीन सख्त, टॉयज जिस तरह आजकल हम डायनासोर के देखते हैं, इसी तरह फिर आजकल के जानवरों के जो है ना, ये टॉयज मिलेंगे. स्टफ मीन सख्त, मसाले के सख्त बने हुए टॉयज या लोहे के बने हुए टॉयज. टॉयज ये मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी है. मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है मुख्तलिफ जानवरों के या पौधों के जो है, ये हमारे आगे वाले नस्लों को मिलेंगी. डियर कैडेट्स, दिस इज द एंड ऑफ द 14th लेसन, 14th यूनिट बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान. इसके बाद इसके कम्प्रिहेंशन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद एक पोएम रहता है, वो भी करेंगे. मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको 9th क्लास का मुकम्मल कोर्स इस चैनल पे मिलेगा, इंक्लूडिंग लेटर्स, एप्लीकेशन, स्टोरीज, ग्रामर, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह. आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको स्टडी करते रहें, इंशाल्लाह इस चैनल की मौजूदगी में आपको इंग्लिश की ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं होगी. आपके दाम का बहुत शुक्रिया.